हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम योर साइंस टीचर मिस वरिषा. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. नाउ प्लीज ओपन द पेज नंबर 36. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट नंबर 5, मटेरियल्स. लुक एट द थिंग्स यू यूज एट होम और एट स्कूल. पेज नंबर 36 पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही होंगी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, जैसे कि चेयर, टेबल, मिरर, प्लास्टिक चेयर, कॉम्प, कार वगैरह वगैरह. व्हाट आर द मेड ऑफ? ये किस तरह से बनाई जाती हैं? डिफरेंट थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल होता है. ईच मटेरियल हैज इट्स ऑन प्रॉपर्टीज, और हर मटेरियल की अपनी अलग खसूसियात होती हैं. दीज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल मेक इट सुटेबल टू मेक सर्टन थिंग्स. और इन खसूसियात से जो मटेरियल होता है वो अपनी मतलूबा चीज़, यानी इसको जो चीज़ बनानी होती है उसको बनाने में कामयाब हो जाता है. नाउ प्लीज़ मूव टू पेज नंबर 37. वी विल नाउ स्टडी द 4 मोस्ट कॉमन मटेरियल डेट आर यूज टू मेक थिंग्स. अब हम 4 कॉमन मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि तकरीबन बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है. नंबर 1, वुड. वुड मीन्स लकड़ी. मैनी थिंग्स डैट वी यूज इन डेली लाइफ आर मेड ऑफ वुड. अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि वुड से बनी हुई होती हैं, सच एज अ टेबल और अ चेयर. जैसे कि टेबल और चेयर, वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज. वुड को हम दरख्तों से हासिल करते हैं. इट कैन बी कट, पेंटेड एंड पॉलिश्ड. जिसको पहले कट किया जाता है, फिर पेंट किया जाता है और फिर पॉलिश्ड किया जाता है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल. ये बहुत मजबूत मटेरियल होता है. यूजेस ऑफ वुड. वुड के इस्तेमाल. वी यूज वुड फॉर मैनी पर्पजेज. वुड को बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है. बोर्ड्स एंड शेप्स आर मेड ऑफ वुड. बोर्ड्स और शेप्स भी किससे बनाई जाती हैं? वुड से बनाई जाती हैं, लकड़ी से बनाई जाती हैं. वी यूज दिस फॉर ट्रैवलिंग बाई सी. जब हमें समंदर में सफ़र करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? बोर्ड्स का एंड शिप्स का, जो कि किससे बनाई जाती हैं? वुड से बनाई जाती हैं. फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड. इसके अलावा फर्नीचर भी वुड से बनाया जाता है. वी यूज फर्नीचर टू मेक आवर लाइफ कम्फर्टेबल. फर्नीचर हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को आरामदा बनाने के लिए. फेंसेस अराउंड आवर हाउसेस आर ऑफ्टन मेड ऑफ वुड. इसके अलावा घरों के बाहर आप लोगों ने फेंसेस देखे होंगे, वो किससे बनाए जाते हैं? वुड से बनाए जाते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में भी देखें, फेंसेस बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आप सबको. ये किससे बनाए जाते हैं? वुड से बनाए जाते हैं. दिस प्रोटेक्ट आवर होम्स, जो कि हमारे घरों की हिफाजत करते हैं. सो हियर इज आवर पेज नंबर 38. फोटोज फ्रेम आर मेड ऑफ वुड. फोटो फ्रेम्स भी वुड से बनाए जाते हैं. वी यूज दिस फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, जो कि घरों को डेकोरेट करने के काम आते हैं. क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक एंड टेनिस रैकेट्स आर मेड ऑफ वुड. वी प्ले स्पोर्ट्स विद दिस. इसके अलावा क्रिकेट बैट, टेनिस रैकेट, हॉकी स्टिक्स भी वुड से बनाई जाती हैं, जो कि स्पोर्ट्स में काम आती हैं. वी यूज वुड एज फ्यूल. इसके अलावा वुड को हम फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में देखें, गेट वार्म इन विंटर बाय बर्निंग वुड. सर्दियों में हम लोग लकड़ियों में आग लगाते हैं जिससे हमें वार्म, गर्माई मिलती है. वो भी किससे हासिल होती है? वुड से. अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल ऑब्टेंड फ्रॉम वुड इज पेपर. इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो वुड से हासिल होता है वो होता है पेपर. इट इज मेड बाय प्रोसेसिंग वुड इन फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्री से बनाया जाता है. इट इज देन यूज टू प्रिंट बुक्स, डायरीज एंड न्यूज पेपर. उसके बाद बुक्स होती हैं जो कि प्रिंट होती हैं, डायरीज होती हैं, न्यूज पेपर होते हैं. ये भी किससे हासिल होते हैं? हमें वुड से हासिल होते हैं. टाइम्स हमने वुड से हम क्या क्या हासिल करते हैं? टेबल, चेयर, बोर्ड, फेंसेस, फोटो फ्रेम, रैकेट, टेनिस, पेपर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या हासिल करते हैं वुड से? पेपर. ओके, नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 39. नंबर 2, मेटल. वी ऑल्सो यूज थिंग दैट आर मेड ऑफ मेटल. हम वो चीजें भी इस्तेमाल करते हैं जो कि मेटल से बनी हुई होती हैं. वी गेट मेटल फ्रॉम द अर्थ लाइक आयरन एंड कॉपर. और मेटल हम कहाँ से हासिल करते हैं? अर्थ से हासिल करते हैं. जैसे वुड हम दरख्तों से लेते थे, मेटल हम कहाँ से लेते हैं? अर्थ से लेते हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर.
मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी एंड डू नॉट बर्न ईजली। मेटल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, शाइनी होता है और वो आसानी से जलता भी नहीं है। यूजेस ऑफ मेटल, मेटल के यूजेस, कुकिंग यूजेस आर मेड ऑफ मेटल्स। खाने के जो बर्तन होते हैं वो भी मेटल से ही तैयार किए जाते हैं। वी यूज दिस इन द किचन, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन, कार एंड एरोप्लेन आर मेड ऑफ मेटल, वी यूज देम फॉर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा प्लेन्स होते हैं, ट्रेन होते हैं, कार्स होती हैं, वो हम मेटल से ही बनाते हैं। पिक्चर्स में और भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, एरोप्लेन है, फ्राई पैन है, मेटल बकेट है, सेफ्टी पिन है, सीजर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब किससे बनती हैं? मेटल से बनती हैं। मैंने टूल्स आर मेड ऑफ मेटल। इसके अलावा औजार होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं? मेटल से बनाए जाते हैं। वी यूज एन एक्स टू कट वुड, हम लोग एक्स का यूज करते हैं लकड़ी को काटने के लिए। वो किससे बनता है? मेटल से बनता है। हैमर एंड अ पेयर ऑफ सीजर आर टूल्स कॉमनली यूज्ड इन योर होम्स। इसके अलावा हैमर, सीजर, ये सब चीजें भी मेटल से बनाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, मेटल से क्या क्या बनाया जाता है? मेटल से एरोप्लेन्स बनते हैं और कार्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो टूल्स होते हैं वो भी मेटल से ही बनाए जाते हैं। नंबर 3 इज ग्लास। समथिंग आर मेड ऑफ ग्लास, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वी कैन सी थ्रू इट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ग्लास से बनाई जाती हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब वो इस तरह होती हैं कि हम उनके आर पार देख सकते हैं। थिंग्स मेड फ्रॉम ग्लास कैन ब्रेक ईजली, जो चीजें ग्लास से बनाई जाती हैं वो एकदम टूट भी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, विंडो, ग्लास विंडो, टेलीविजन, प्लेट। यूजेस ऑफ ग्लास, सम सर्विंग डिशेज आर मेड ऑफ ग्लास, वी ईट फ्रॉम देम इन आवर होम्स एंड रेस्टोरेंट। बहुत सारे डिशेज, बहुत सारे प्लेट होती हैं जो कि ग्लास से बनाई जाती हैं, जिनमें हम खाना खाते हैं घरों में, बाहर रेस्टोरेंट में, जो कि किससे बनाई जाती हैं? ग्लास से बनाई जाती है। नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 41। ग्लास इज यूज टू मेक विंडोज पैन्स, दिस आर यूज इन बिल्डिंग्स एंड होम्स। विंडोज पैन किसको कहा जाता है? खिड़कियों के शीशे जो होते हैं वो भी ग्लास से बनाए जाते हैं। दिस आर यूज इन बिल्डिंग एंड होम्स, जो कि बिल्डिंग्स में और घरों में यूज होती हैं। बल्ब्स एंड ट्यूब लाइट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ ग्लास, वी यूज देम टू लाइट आवर होम्स। इसके अलावा हमारे घरों में बल्ब लगे हुए होते हैं, ट्यूब लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो भी किससे बनाई जाती हैं? ग्लास से बनाई जाती हैं। तो नंबर 3 कॉमन मटेरियल क्या है? ग्लास, जो कि आराम से टूट भी जाता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, नंबर 4 प्लास्टिक। प्लास्टिक इज यूज टू मेक मैनी थिंग्स, प्लास्टिक भी बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है। इट इज नॉट अ नेचुरल मटेरियल, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये नेचुरल मटेरियल नहीं होता है। इट इज अ मैन मेड मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, इंसानों का अपना बनाया हुआ मटेरियल होता है, जो कि कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है। यूजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल, मैनी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अ कीबोर्ड इज वन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। अ कार स्टेयरिंग व्हील इज मेड ऑफ प्लास्टिक, कार का स्टेयरिंग व्हील भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। द बम्पर्स ऑफ मोस्ट कार्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, मैनी यूटेंसिल्स यूज्ड इन आवर होम्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसके अलावा हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, जो कि किससे बनते हैं? प्लास्टिक से बनते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ा है? मटेरियल्स, डिफरेंट थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और मटेरियल्स की 4 कॉमन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज वुड, वुड से हम क्या क्या बनाते हैं? वुड से बोट्स बनती हैं, शिप्स बनती हैं, फर्नीचर बनते हैं, स्पोर्ट्स की चीजें बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट, टेनिस रैकेट, हॉकी स्टिक। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वुड से बनाया जाता है वो होता है पेपर। बट 2 कॉमन मटेरियल क्या है? मेटल। मेटल से क्या बनाया जाता है? मेटल बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, जिससे हम बनाते हैं एरोप्लेन, कार्स और डिफरेंट टूल्स, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। वो किससे बनाए जाते हैं? मेटल से बनाए जाते हैं। नंबर 3 कॉमन मटेरियल क्या है? ग्लास। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है,
जिसके जैसे विंडो के शीशे होते हैं, बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, बहुत सारे बर्तन होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं, ग्लास से बनाए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट और नंबर 4 कॉमन मटेरियल होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक नेचुरल मटेरियल नहीं होता है, प्लास्टिक मैन मेड मटेरियल होता है। प्लास्टिक से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खाने के बर्तन बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, कार के पार्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। एक दफ़ा सब रिपीट करेंगे कौन कौन से कॉमन मटेरियल्स होते हैं, वुड, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक। वुड, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको यूनिट नंबर 5 समझ आ गया होगा। आज हमने यूनिट नंबर 5 में मेटल्स मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, मेटल, वुड, ग्लास एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। आई होप सब समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह वी विल कम टुमारो विद अनदर टॉपिक। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।